हेलो नमस्ते जय हिंद, वेलकम टू माय चैनल शेफ बाय हार्ट। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त प्रियंका। टुडे आई एम ब्रिंगिंग फॉर यू माय न्यू माउथ वाटरिंग हैक। यस, आई एम सेइंग इट हैक बिकॉज ये बन जाता है बहुत ही इंस्टेंट तरीके से, सबका फेवरेट होने वाला है। शादी के चार्ट कॉर्नर से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दही वाले की रेसिपी, बहुत ही जल्दी बनने वाली है। डोंट वेट फॉर 24 आवर्स। चलिए मेरे साथ अभी मेरे किचन में बिना दाल भिगोए, बिना कोई भी मशक्कत किए बनाते हैं हम दही वाला। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लेट्स गो। दही वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कप सूजी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी दही, बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और 2 पीस लहसुन, इसे भी बारीक काट लिया है मैंने। और ले लिया है यहाँ पर मैंने लगभग 1 चम्मच नमक का। अब आप इसको एक अच्छा सा मिक्स देकर एक बैटर बना लेंगे, बहुत अच्छा सा बैटर बन जाएगा इसका। बैटर में थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए एक अच्छा सा बैटर बना लेना है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। अभी बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है। ये हो गया है अच्छे से मिक्स, बन गया है हमारा बैटर। अब इसको कम से कम 15 मिनट के लिए आप रेस्ट पर ढक के रखेंगे, उसके बाद हम इसको ओपन करके वड़े बनाना शुरू करेंगे। जब तक बैटर रेस्ट पर है मैंने यहाँ पर रख दिया है मीठी गुड़ की और इमली की चटनी बनाने के लिए पानी, और इसमें डाल रही हूँ अब मैं गुड़, और थोड़ी सी डालेंगे इसमें इमली। अब इसको ढककर एक अच्छा सा बॉयल देंगे, तब तक ये चाशनी बन जाएगी। सूजी रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए सूजी अच्छे से फूल चुकी है, दही एब्जॉर्ब कर लिया है। ये बैटर थोड़ा सा अभी गाढ़ा लग रहा है इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसको एक मिक्स देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। इसके अंदर बेकिंग पाउडर से हमारा जो वड़ा है वो अच्छे से फूल जाएगा और फ्लफी बनेगा, मुलायम हो जाएगा वो। ये देखिए बैटर इज रेडी, अब चलते हैं हम इसके भल्ले बनाने। तेल हो चुका है गरम, यहाँ देखिए भल्ले का बैटर भी है हमारा तैयार। हाथ मैंने धो लिए हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हम स्टार्ट करेंगे भल्ले बनाना। आप चाहे तो आप चम्मच का भी यूज कर सकते हैं, मुझे हाथ से बनाने में ज्यादा अच्छा लगता है, शेप अच्छी आती है। बस ऐसे जैसे आप कढ़ी के लिए पकौड़े बनाते हैं ना। यहाँ देखिए चाशनी भी हमारी लगभग रेडी है, अब इसको हमें छानना है बस, और गुड़ और इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। ये देखिए भल्ले तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको उतार लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इनका, गोल्डन ब्राउन। चाशनी पक चुकी है, अब इसमें गुड़ और इमली को अच्छी तरीके से मैश कर लेना है ताकि इसमें खट्टा और मीठा दोनों ही स्वाद आ जाए। अपने हाथों की सहायता से कर सकते हैं या आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। इसको अच्छे से छान लेना है, उसके बाद हमें पहले इमली को अच्छी तरह मैश करके निचोड़ कर, अब ये देखिए छान लिया है यहाँ पर। छानने के बाद एक
अच्छी साफ़ सुथरी चाशनी जो खट्टी मीठी होगी स्वाद में, सौंठ बोलते हैं जिसे, वो आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए भल्ले हैं तैयार, दही है तैयार, इमली और गुड़ की मीठी सौंठ है बनकर तैयार, और यहाँ मैंने बना लिया है भुने हुए जीरे का पाउडर। जीरे को तवे पे हल्का हल्का भून के उसको पीस लेना है। अब मैं मिलती हूँ सीधा आपसे प्लेटिंग पर। तो देखिए तैयार हैं सूजी के दही बल्ले, एक्चुअली कहे तो इंस्टेंट दही बल्ले, जिसे बनने में लगा नो टाइम, खाने में है उतने डिलीशियस और यम्मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल शेफ बाय हार्ट, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए मुझे, आगे भी मैं आते रहूँगी आपके साथ आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।